दोस्तों, आप सबने बचपन में डोरेमोन तो जरूर देखा होगा, लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी कि आखिर डोरेमोन हंगामा टीवी पर आना बंद क्यों हो गया? आखिर इसकी क्या वजह थी कि हंगामा टीवी वालों को डोरेमोन दिखाना बंद करना पड़ा? तो सबसे पहले आपको बता दें कि डोरेमोन एक फ्यूचरिस्टिक गैजेट होता है जो फ्यूचर से नोबिता की हेल्प करने के लिए आता है, और इसके पास हर तरह के गैजेट्स होते हैं जिससे ये नोबिता की मदद करता है। और ये डोरेमोन नाम की सीरीज टीवी पर आना 1979 से स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कि अभी इस बात को 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और डोरेमोन को सबसे पहले हंगामा टीवी पर 2005 में लॉन्च किया गया था, और ये इसका इंडियन वर्जन था, यानी कि इसकी हिंदी डबिंग की गई थी। और उसके बाद 2006 में हंगामा टीवी को डिज्नी चैनल ने खरीद लिया था, और डिज्नी चैनल पर सबसे पहली बार डोरेमोन 2010 में दिखाया गया था। अभी हम आपको 2018 की बात बताए तो हंगामा टीवी पर डोरेमोन आना बंद हो चुका है, और इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि डिज्नी चैनल ने डोरेमोन के राइट्स है वो एक्सक्लूसिवली अपने ही पास रखे, यानी कि वो सिर्फ डिज्नी चैनल पर ही डोरेमोन को दिखा सकते हैं। यानी कि अब से आपको डोरेमोन सिर्फ और सिर्फ डिज्नी चैनल पर ही दिखाई देगा, हंगामा टीवी पर बिल्कुल भी डोरेमोन को रिलीज नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अब तक इंडिया में डोरेमोन की 25 से ज्यादा मूवीज रिलीज हो चुकी है, और इनमें से 2018 के बाद वाली जो दो मूवीज आई थी वो डिज्नी इंडिया चैनल पर ही रिलीज हुई थी, यानी कि उसके एक्सक्लूसिव राइट्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास ही मौजूद है। तो हमें उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि डोरेमोन आखिर हंगामा टीवी पर आना क्यों बंद हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।